हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कश्यप्स किचन चैनल में। आज की रेसिपी है अंडा मसाला। इस थिक और रिच ग्रेवी वाली रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। अगर आप एग लवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने 4 अंडों को हार्ड बॉईल कर लिया है लगभग 12 मिनट के लिए। इसके बाद हम सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। तो जिसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और अच्छा कलर आए फ्राई करने के बाद, उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड किया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हम यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि फ्राई होने के बाद अंडों के ऊपर एक बहुत अच्छा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें होल करेंगे, जिसके लिए आप नाइफ़ या फिर फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब हम अंडों को फ्राई करेंगे तो उसके अंदर जो स्टीम बनेगा वो बाहर आसानी से रिलीज़ हो जाए और अंडा हमारा फटे ना, तो जिसके लिए होल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बीच बीच में कहीं कहीं पर हम होल कर लेंगे, इस तरह से। देखिए, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने अंडों को मैरिनेट कर लिया है, तो अब इसे फ्राई करते हैं। तो जिसके लिए कढ़ाई में मैंने लगभग 1 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड किया है और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब हम इसमें अंडों को ऐड कर देते हैं और इसे मूव करते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर का परत गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो एक तरफ ये ज़्यादा सिक जाएगा और दूसरी तरफ ऐसे सफ़ेद ही बना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अंडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस प्रोसेस में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगेगा मीडियम फ्लेम पे। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सेम पैन में 1 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड किया है। उसके साथ ही इसमें ऐड किया है जीरा, हरी और काली इलायची, सिनेमन स्टिक और 2 सूखी लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से भून लेंगे लगभग आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैंने ऐड कर दिया है और इसे भूनने में हमें कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लगेगा मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से भून गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आपने जितना डालना हो इसी टाइम पर डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, लगभग आधा चम्मच के करीब है ये, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चला ना जाए। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से भून लिया है हमने। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। ये एक बड़ा साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से थोड़ा सा पानी और रिलीज़ ना हो जाए, क्योंकि टमाटर में काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसने पानी रिलीज़ किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जितने भी सूखे मसाले हैं। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब किचन किंग मसाला पाउडर डाला है, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्दी पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर भी ऐड किया है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अब अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है तब तक जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो कम से कम 8 मिनट लग जाएगा हमें इसे भूनते हुए। तो यहाँ पे देखिए, हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं, ऑयल पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें दही डालने की। तो दही को हमने अच्छे से बीट कर लिया है पहले और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। दही डालने से इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे भूना दही के साथ मसालों को। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे थिक ग्रेवी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आधा कप पानी ऐड किया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पतला ग्रेवी चाहते हैं तो 1 कप पानी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, इसके बाद ये और भी गाढ़ी होगी। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और फ्लेवर लाने के लिए गरम मसाला पाउडर, जो कि आधा छोटी चम्मच के करीब है।
इसके बाद डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती। इसकी जगह पे आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अंडों को डालेंगे, तो जो हमने फ्राई करके रखा था तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कवर करके इसे लो फ्लेम पे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि सारे मसाले और अंडे अच्छे से असेंबल हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए 60 मिनट हो गया है और ऑयल पूरी तरह से ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से पक चुका है और अंडा भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं टेक्सचर दिखाती हूँ, काफ़ी गाढ़ा है, थिक है और बिल्कुल अंडा मसाला इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी हो जाती है तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए तैयार है हमारा अंडा मसाला सर्व करने के लिए। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। इसे आप रोटी पराठा या फिर स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, ये फ्राइड राइस के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।